बारिश आ गई है फिर मैच में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:25 और आज मैं जा रहा हूँ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अशोक बिहार। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट हो रहा है क्योंकि मेरे को पहुँचना वहाँ 9 तक। तो ब्रेकफास्ट आज हल्का फुल्का ही हो रहा है। तो ब्रेकफास्ट में आज सिर्फ अपने पास है अंडा है, ऑमलेट और ब्रेड और दूध। तो जल्दी है थोड़ा, इसलिए निकलना फटाफट से, तो यही खा के निकलते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में, तो आपको मिलूंगा फिर मैं वहाँ पे अशोक विहार में आज। क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और बारिश की वजह से तो मैच थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा सवेरे, तो गीला हो गया ग्राउंड, पिच भी गीली है, तो मैच अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो मैं आपको ग्राउंड का व्यू दिखा देता हूँ। तो ये है ग्राउंड का व्यू, ये देखिए प्लेयर्स बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे ही नॉकिंग वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे ग्राउंड का। और ये हैं पवेलियन स्टैंड, ये देखिए, और ये देखिए इधर से। अंदर ये देखिए, यहाँ पे झूले लगे हुए हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए। और इधर देखोगे तो ये इधर क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे भी बच्चों के झूले हैं। देखो कितने प्यारे प्यारे झूले लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए। पूरी व्यवस्था है बच्चों के झूलों के लिए, ये देखिए। अगर बच्चे यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए झूले झूलने के लिए यहाँ पे, ये देखिए, ये पूरा बच्चों के लिए है यहाँ पे। ये DDA के अंदर आता है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, और ये है अशोक विहार में पड़ता है ये देखिए। अगर बच्चे आपके साथ आते हैं यहाँ पे तो ये देखिए, यहाँ मेंबरशिप होती है, ये देखिए। आज तो संडे, वैसे तो जनरली बहुत कम लोग आते हैं, और ये देखिए लॉन टेनिस का कोर्ट है यहाँ पे, ये देखिए लॉन टेनिस जो खेलते हैं उनके लिए यहाँ पे ये। और ये देखिए ये बैडमिंटन कोर्ट है, बंद हो रखा आज सारा कुछ यहाँ पे अभी। ये बैडमिंटन कोर्ट है यहाँ पे, एक ही है और एक इसके आगे है, वहाँ पे दो कोर्ट हैं बैडमिंटन के। और यहाँ पे ये बिलियर्ड का है, जी कितने बढ़िया फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए और ये है स्विमिंग पूल यहाँ पे, लेकिन वो बंद हो रखा आज,
स्विमिंग पूल बंद है। ये देखो टाइगर, रोलर है ये, पिच के लिए रोलर है ये। देखिए पिच हमारी गीली हो रही है अभी, पिच का भी कोई हाल नहीं है, पिच गीली पड़ी हुई है। तो मैच देर में शुरू होगा। ये देखो पूरी गिल होगी, गीली होगी पिच। कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ तो है आई नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो ग्राउंड के बारे में आपको बता दूं, ये मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में ये आता है, यानी कि डीडीए के अंडर में है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और डीडीए ही इसकी सारी देखभाल करती है, रखरखाव करती है। और अन्ना जी कैंसिल हो गया, आप मैच खेलने आए? नहीं कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया? खेलेंगे भाई मैच, मैच तो खेलेंगे। बारिश की वजह से ग्राउंड सुखाया जाएगा। दोस्तों पिच तो गीली है लेकिन अब धूप भी आ गई है वैसे, और इसके लिए हमने ये मैट मंगाया है यहाँ पे, इसको बिछा देंगे और उससे इजी रहेगा क्योंकि फिसलन वगैरह नहीं होगी फिर। तो काफ़ी गीली है पिच, तो दौड़ने भागने में बहुत दिक्कत होगी। मैट इसको बिछाएंगे यहाँ पे, चुकी है हमारी रेडी और यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। सोनू जी प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी बाहर नॉकिंग, और ये मैच शुरू हो गया हमारा। आज फोटो शूट भी करा नहीं हमने पहले, खेलने से पहले। राजा तेरा नंबर बाद ये देखिए बॉल आएगी जाएगी नहीं बॉल ना सही। 200 रन, वेरी गुड 200 रन। अरे क्रास, एक बार फिर त्रिपाल बढ़ावट, बारिश आ गई है फिर मैच में। ये देखिए बारिश आ गई मैच में एक बार फिर, और ये यहाँ से फिर पिच कवर करने के लिए कवर लेके आ रहे हैं, और आज ये बारिश का ही दिन है दिल्ली में, यही चल रहा है। एक इनिंग भी पूरी नहीं हुई थी अभी। पिच कवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोस्तों आज दिल्ली में मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है। ये देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है दिल्ली में, और पूरा बादल लगे हुए हैं, और हमारा मैच ऐसे ही चल रहा, हल्की हल्की बारिश में ही चल रहा क्रिकेट मैच। अन्ना जी, और ये देखो अब हम जीतने वाले हैं, हमारी टीम। ये मद्रास से आए हैं हमारे विकेट कीपर, ये साउथ इंडियन विकेट कीपर है हमारे। तो दोस्तों अभी हम घर पहुंच चुके हैं मैच खेल के, और अभी बजे हैं शाम के 6:30, और नहा धो के फ्रेश हो के अब सीधा बिस्तर पे बैठ गया हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, और बस अब ये लगा लो कि दिल कर रहा है कि सो जाऊँ किसी तरह से, क्योंकि 7-8 महीने उसके बाद खेले थे मैच, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाती बॉडी में। तो दोस्तों फिर इसी के साथ ही आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में जल्दी ही। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।